यूपी में गोंडा के राजा टोला गांव में 5 दिन पहले सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई पर खूब सवाल उठे थे। इस बीच पुलिस ने मामले के मुख्य हत्यारोपी समेत 2 लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार देर शाम चरहुआ मोड़ के पास भाजपा सभासद उदयबान सिंह उर्फ लल्लन से हुई मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया। उदयबान पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को एक आरोपी रोहित सिंह को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा था। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने दिन में घटना के मुख्य आरोपी भाजपा सभासद के घर की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा ट्रैक्टर से ढहा दिया। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को पीड़ित परिजनों से मिला था, साथ ही 5,00,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, करीब 3 दिन पूर्व थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में एक ओम प्रकाश सिंह नाम के कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशन निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। उसी क्रम में जो वांछित अभियुक्त थे उनकी तलाश हेतु कई टीमें लगाई गई थी। उसके क्रम में कल देर रात एक आरोपी हत्यारोपी रोहित सिंह वो पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुआ था, जिसे पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें जो मुख्य हत्यारोपी था लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह, इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज हमारी टीमों द्वारा जब उसको घेराबंदी का प्रयास किया गया सूचना पर, उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और आत्मरक्षा की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की लल्लन सिंह को जो मुख्य हत्यारोपी है उसको गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ है। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा कोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है और इस संबंध में थाना परसपुर द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 अभियुक्त अभी शेष हैं और हमारी टीमें उन पर लगी हैं। किसी भी वक्त जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या ये पूरा परिवार नामजद था? देखिए, ये पिता है, इनके 3 पुत्र हैं और एक मेन इनका खास आदमी रोहित सिंह। कुल 5 लोग इसमें जो है, 4 नामजद थे, 1 का अज्ञात में था। इस प्रकार कुल 5 अभियुक्त थे, जिसमें से 3 इस मुठभेड़ के उपरांत अकाउंट पर हो चुके हैं। शेष 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मुकदमे में हमने फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन कर जल्द से जल्द चार्जशीट की कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि 4 दिन पहले जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के राजा टोला मोहल्ले में पुरानी रंजिश में भारतीय जनता पार्टी के सभासद उदय भान उर्फ लल्लन सिंह, उनके बेटों और साथी रोहित सिंह उर्फ बाबा ने मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह की नृशंस हत्या कर दी थी। इसमें ओम प्रकाश पर धारदार हथियार से हमला कर हाथ पैर काटने के साथ जीभ को भी काट दिया गया था। इसी के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित के घर पहुंच रहे थे और उनको आश्वासन देने के साथ ही पुलिस प्रशासन और सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे थे। घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने 2 नामजद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर परिजनों और गांव के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पत्नी और बेटियों ने मौत के बदले हत्या आरोपियों को फांसी दिलाने, घर पर बुलडोजर चलवाए जाने और मामले की CBI से जांच कराने की मांग CM योगी आदित्यनाथ से की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।